हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक 32 इंच का सैमसंग कंपनी का एलईडी आया हुआ है। तो इसका प्रॉब्लम है कि कस्टमर ने लाते समय बताया कि जब हम टीवी का स्विच ऑन करते और रिमोट से स्टैंड बाय करते हैं तो इसको चालू होने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। यानी अब जैसे कि 10 बजे चालू किया तो 12-1 बजे टीवी स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है हम देखते हैं। तो पहले हम आपको स्विच ऑन करके दिखाते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ रेड लाइट आ गया है। अगर हम इसको रिमोट से ऑन करते हैं तो ये बल्ब सबसे घने कब से जब नानी मेरे बालों का ख्याल रखती थी तब बाल कम ऑफ नहीं हो रहा है। तो आइए इसे खोलते हैं। तो जैसे कि हमने इसे खोला है ये आप देख पा रहे होंगे। तो हमें यहाँ जो ये 3 कंडेंसर लगे हुए हैं ये आप देख पा रहे होंगे, ये फुले हुए हैं। और हमें कुछ ये मेन कंडेंसर रहता है 500 वोल्ट वाला, ये भी थोड़ा फुला हुआ दिख रहा है। तो हम इसे इन चारों को चेंज करके देखेंगे कि क्या रिस्पांस आता है। तो इसके पहले मैं दिखा दूँ कि टीवी का मॉडल नंबर है जो आपको मिलेंगे RTVS JV32HH02XAF। ये 32 इंच का सैमसंग का LED है। तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे चालू करने के बाद में। आप देख पा रहे ये जो 24 वोल्ट सप्लाई निकलता है ये कम ज़्यादा हो रहा है, यानी ये कॉन्स्टेंट नहीं है। इसकी वजह से हमारा टीवी स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम 1, 2, 3 कंडेंसर चेंज करके देखेंगे और फिर वोल्टेज चेक करके देखेंगे कि क्या रिस्पांस आता है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहेंगे हमने ये 3 कंडेंसर नए डाल दिए। तो आइए अभी हम वोल्टेज चेक करते हैं कि जो 24 वोल्ट बनता है वो बराबर बनता है कि नहीं। तो आप देख पा रहेंगे कि अभी हमारा 24 वोल्ट परफेक्ट बन रहा है। तो इसे हम स्टैंड बाय रिलीज करके देखेंगे कि क्या होता है। तो जैसे कि हमने स्टैंड बाय रिलीज कर दिया है तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे स्टैंड बाय लाइट्स ये बैक लाइट चालू हो गए। तो अभी हम पैनल वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम टीवी चेक करेंगे। हमने स्विच ऑन कर दिया है, ये बैक स्टैंड बाय लाइट जल गया है। उससे हम स्टैंड बाय रिलीज करेंगे। टेन बार यूज करेंगे तो मैं देख पा रहे होंगे कि हमारा टीवी चालू हो गया है और पिक्चर भी आ गई है।
कहाँ मुसीबत है? रेडी? हाँ देख पा रहेंगे फ्रेंड्स कि हमारा मेनू भी आ गए। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से हमने ये स्टैंड बाई का जो प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व किया है। तो इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने के मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।